हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमी क्रिएटिविटी। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर हमेशा आप सभी के लिए बहुत ही सिंपल, क्विक और इजी सा डीआईवाई लेकर आती हूँ। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक ब्यूटीफुल सा डीआईवाई लेकर आई हूँ, जिसे मैं वेस्ट टेराकोटा पॉट और वेस्ट कप को रियूज करके बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी देख कर समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये टेराकोटा का पॉट है, मैं इसमें कुछ और डिटेलिंग करूंगी। आप चाहे तो इसे सिंपली इसी तरह भी पेंट करके डीआईवाई बना सकते हैं, पर मैं इसे केटली का सेफ देने वाली हूँ। तो चलिए अब इसके हम सेफ को देना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं केटल के पार्ट्स को बनाने के लिए होममेड क्ले का यूज कर रही हूँ। आप एयर ड्राई क्ले का भी यूज कर सकते हैं। जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसे हम टेराकोटा पॉट में सेट कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर केटल के जो आगे की साइड का पोर्शन मैंने बनाया है, उसमें मैंने ब्रश की बैक की हेल्प से एक होल भी बना लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रश की बैक पे मैंने ऑयल अप्लाई किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर हल्के हाथों से इंसर्ट कर दिया और इजी वे में इसमें एक होल को क्रिएट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे थोड़ा ड्राई होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसे केटल पर अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, तो हम केटल की लीड बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसे हाथों से ही प्लेन कर रही हूँ, आप यहाँ पर रोलिंग पिन की हेल्प भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अब इन सारे पार्ट्स को हम आपस में अटैच कर देंगे। इन्हें अटैच करने के लिए मैंने व्हाइट सीमेंट में पानी को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें सेट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड पर पेस्ट को लगाना है, उसके बाद इसे अप्लाई कर देना है। फ्रेंड्स, इस सरफेस को हमें नीट एंड क्लीन लुक देने के लिए बस फिंगर में पानी को लगाना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, इस लीड को भी प्रॉपर शेप देने के लिए मैं इसके ऊपर गाढ़े पेस्ट को अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे सिंपली इसी तरह भी रहने दे सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने लीड के ऊपर के सरफेस को भी फिंगर में पानी लगाकर प्लेन कर दिया है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, तो अब हम सैंड पेपर की हेल्प से इसके सरफेस को इवन कर लेंगे। अब इस पोर्ट पर हम जेसो को अप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास जेसो अवेलेबल नहीं है तो आप व्हाइट एक्रेलिक कलर को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो
फ्रेंड्स, तो हमारी केटल कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी थी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्केचिंग भी कर ली है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक व्हाइट पेपर पर इस तरह का पैटर्न को बना लिया है। उसके बाद मैंने इसे रखकर पेंसिल से स्केच कर लिया है। इस पैटर्न को मैंने सारी केटल्स पर बना लिया है। फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम कलर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये पैटर्न अभी काफी ट्रेंड में है, इसलिए मैं भी इसे ट्राई कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर छोटे छोटे से फ्लावर, लीव्स या कुछ और पैटर्न भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कलर करने के लिए एक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर चौक पेंट या किसी और कलर का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो हमें इसी तरह सारी केटली पर इस पैटर्न को कलर कर लेना है। फ्रेंड्स, इस पैटर्न के साइड में जो स्पेस बची है, यहाँ पर मैं व्हाइट कलर अप्लाई करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने व्हाइट कलर अप्लाई कर दिया है। अब हम लेमन कलर को अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे इसी तरह भी रहने दे सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा केटल तो रेडी हो गया है, पर ये अपने कप के बिना अधूरा है, इसलिए मैं इसे कंपनी देने के लिए मेरे पास एक वेस्ट कप पड़ी थी, उसका यूज करने वाली हूँ। इस कप पर मैं जेसो अप्लाई करने के बाद सेम यही पैटर्न बना लूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई वेस्ट कप नहीं है तो आप अपने बच्चों की जो टॉय कप होती है उसका यूज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने कप में भी सेम वही पैटर्न बना लिया है। अब हम इसमें कलर अप्लाई करेंगे।
फ्रेंड्स, हमारा कप और कैटल दोनों ही बनकर रेडी हो चुका है। देखिए हमने दोनों वेस्ट मटेरियल को कितना खूबसूरत सा लुक दे दिया है। फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में पड़े बेकार टेराकोटा पॉट या सेरेमिक कप को इसी तरह से रीयूज करें और अपने घर के किसी भी कॉर्नर को डेकोरेट करें। फ्रेंड्स, इसमें मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर रखकर एक फ्लावर वास के रूप में भी आपको शो कर दिया है। फ्रेंड्स, आप इसमें रियल प्लांट भी लगाकर इसे प्लांटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। साथ ही आप इसे किचन डेकोर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आई होप आप सभी को आज का ये DIY पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये DIY पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे इस चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।